ओके, लेट्स स्टार्ट टू अवर न्यू लेसन, लेसन नंबर 3, जिसके अंदर फर्स्ट देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज लोथल सिचुएटेड, लोथल कौन सी रिवर के पास है, तो दैट इज अ बगाओ, सिचुएटेड ऑन द बगाओ रिवर इन धोलका तालुका में। ओके, विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट, दैट इज अ ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो दैट शुड बी अ ऋग्वेदा। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेटल वर्क, आर्ट इंडस्ट्री, क्ले वर्क, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक रेयरिंग। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका जो मेनली जो वर्क था तो दैट शुड बी अ तो जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ये सारे ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए थे, मेटल वर्क भी करते थे, आर्ट इंडस्ट्री भी थी, आर्ट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री तो उससे भी जुड़े थे, क्ले वर्क भी करते थे, लेकिन जो मेन है यहाँ पे मेन वर्ड दिया है तो मेन जो है दैट इज एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक रेयरिंग, ये काम जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था, इसके अलावा जो है ये बाकी सारे वर्क वो लोग करते थे। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, लोथल इज सिचुएटेड इन लेस तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया दैट इज सिचुएटेड इन टू द धोलका तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ओके, हिस्टोरियंस कंसिडर द आइडल्स ऑफ डेस फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन, हरप्पा सिविलाइजेशन के दौरान जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने बताया था कि कौन से आइडल्स जो है, मूर्तियाँ जो है वो पाई गई थी, तो हरप्पा सिविलाइजेशन के दौरान एग्जीबिटेड के दौरान जो है मैत्रक देवी का आइडल जो है वो पाया गया था, मैत्रक देवी। मैत्रक देवी MAATRAK मैत्रक देवी, ओके, दैट इज मैत्रक देवी। ओके, हियर वी हैव टू बी मैच द कॉलम, तो भगतलाव, हरप्पा, कालीबंगान एंड धोलावीरा हम लोगों को प्लेस दिए गए हैं, उसके सामने जो स्टेट है वो दिए गए हैं, तो जैसे हरप्पा सिविलाइजेशन है इट शुड बी सिचुएटेड इन टू अ पंजाब, आफ्टर दैट कालीबंगान शुड बी सिचुएटेड इन टू द राजस्थान, धोलावीरा दैट शुड बी सिचुएटेड इन टू द खादीर बेट इन टू द भचाव तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड भाघा तलाव दैट शुड बी सिचुएटेड इन टू द खेम रिवर भाघा तलाव दैट शुड बी सिचुएटेड इन टू द नियर टू द खेम रिवर। Okay, now answer the following in short. Okay. In which countries are the great civilization of human society exhibited? कौन सी countries के अंदर जो है human society के exhibition जो है
वो पाए गए थे। तो जैसे हम लोग अगर बात करेंगे तो इनटू द इजिप्ट, मेसोपोटेमिया, इंडिया, चाइना, रोम एग्जिबिटेड सच ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इट इज द फर्स्ट आंसर। ओके, फ्रॉम विच टाउन हैव द रिमेन्स ऑफ पब्लिक बाथ हैव बीन फाउंड। पब्लिक बाथ जो है उसके जो रिमेन्स है, जो अवशेष होते हैं, वो कौन से शहर से पाए गए थे। दैट शुड बी अ फाउंड इट फ्रॉम मोहनजोदड़ो। अ पब्लिक बाथ हैज बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, विच थिंग्स वेर इंक्लूड इन द फूड ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपने फूड में मिल के अंदर क्या चीज जो है इंक्लूड करते थे, क्या खाते थे। तो पीपल ऑफ दिस टाइम, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो लोग थे, दैट शुड बी यूज्ड टू हैव वीट, बर्ली, मिलेट, पीस, सिसम, डेट पाम्स एक्सेट्रा इन देयर डायट। इवन दे हैव टू बी अ पेस्टोरलिज्म, यानी कि कैटरिंग, एनिमल हस्बेंड्री का भी वर्क करते थे। सो देयर डायट कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो। इवन दे ऑल्सो लुकिंग फॉर फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग वर्क से भी जुड़े थे। सो देयर फूड मस्ट हैव इंक्लूड फिश ऑल्सो। तो इस तरह जो है वो लोग ये सारे ग्रेन्स, इसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड फिश, ये सारी चीज जो है वो अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करते थे। ओके, नेक्स्ट लेसन देखते हैं, चैप्टर नंबर 11, एंड दिस वन इज द लास्ट वन। ये लास्ट चैप्टर है, असाइनमेंट वर्क जो हम लोग रिविजन कर रहे हैं उसके अंदर ये 11 लेसन लास्ट वन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू डैश डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के हिसाब से जो है माउंटेन्स कितने पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, तो डेट शुड बी इंटू अ फोर पार्ट्स। अच्छा, विचार दे, वी हैव टू बी डिस्कस दैट। तो फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वल्केनिक माउंटेन एंड रिजाइडियल माउंटेन। ओके, नाउ नेक्स्ट, डैश ऑफ जर्मनी इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। जर्मनी के अंदर कौन सा माउंटेन जो है जो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, दैट इज द हॉस्ट माउंटेन। दैट इज अ हॉस्ट माउंटेन। ओके, नाउ बोगोटा सिटी सिचुएटेड इन डैश कंट्री। बोगोटा सिटी जो है वो सिटी जो है कौन सी कंट्री के अंदर आया है, तो दैट शुड बी अ सिचुएटेड इन कोलंबिया। ये जो है कोलंबिया के अंदर आई है, दैट इज इन श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट वन, अ नैरो पीस ऑफ लैंड विच सेपरेट टू वाटर एरियाज इज कॉल्ड। अ नैरो पीस ऑफ लैंड, लैंड का जो नैरो पार्ट है, विच सेपरेट टू वाटर एरियाज, जो दो वाटर एरिया को सेपरेट करता है, इज कॉल्ड इस्थमस। तो क्या कहा जाएगा, दैट इज अ इस्थमस। इस्थमस, ओके, इन इंडिया रिवर प्लेन्स ऑफ डैश डिपोजनल प्लेन्स। इंडिया के अंदर जो रिवर प्लेन्स है वो किस तरीके की डिपोजनल प्लेन्स है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो डिपोजिशनल, यानी कि जो एलुवियल सॉइल को डिपोजनल करके ये प्लेन जो है क्रिएट करता है, तो ऐसा कौन सा एरिया है, कौन से प्लेन्स है, दैट इज अ गंगा एंड यमुना। रिवर प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना, ये जो दो प्लेन्स है, दैट शुड बी अ डिपोजिशनल प्लेन, कि जो डिपोजनल फॉर्म से, एलुवियल फॉर्म से बने हुए है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेष्टो कॉलम। तो मेष्टो कॉलम के अंदर यहाँ पे जो कंट्रीज है वो दी गई है, सॉरी सिटीज दी गई है, और सिटीज के साथ उसके जो हाइट है वो दी गई है कि सी लेवल से अबव कितनी हाइट पे ये सिचुएटेड है। तो लिहाजा दैट शुड बी सिचुएटेड 3,520 मीटर। मैक्सिको दैट शुड बी सिचुएटेड 2,300 मीटर्स।
Next, Lepas, that should be a situated 3,640 meters, and Leh, that should be situated in India. There is Leh Ladakh. आप लोगों ने सुना होगा जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, that should be a situated 3,500 meter. Okay? Now, question answer. Answer the following short. What is meant by island? Island का मतलब क्या है? तो आप लोग textbook में देखोगे तो सारे definitions जो है वो दिए ही गए हैं. Island का हम लोग देखेंगे definition. A piece of land that is surrounded by water from all four sides is known as an island. Land का ऐसा area कि जिसकी चारों ओर water bodies हो और बीच में land या surface हो, that is known as an आइलैंड, उसको आइलैंड कहा जाएगा. ओके, नेक्स्ट, स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स. जो प्लेन्स है उसकी क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड एज कोस्टल प्लेन्स, दैट इज अ स्ट्रक्चरल प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स जो सी कोस्ट के नजदीक होते हैं, इरोजनल यानी कि जो लैंड एरिया इरोज होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रांसफॉर्म होके बनते हैं, एंड डिपोजिशनल दैट इज अ रिवर बैंक की, रिवर की वजह से यानी कि जो रिवर फ्लो होती है जिसके साथ जो एलुवियल की फॉर्म की वजह से जो सॉइल फॉर्म होती है, दैट इज नोन एज अ डिपोजिशनल प्लेन्स. ओके, आप लोगों को खाली इसमें नाम ही लिखने हैं. नाउ गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बे. बे जो है उसके हम लोगों को एग्जांपल्स लिखने हैं. तो बे जो है लार्ज और स्मॉल साइज में हो सकते हैं. तो बे ऑफ बंगाल इन इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ बे. जनरली जो बे है उसमें बे ऑफ बंगाल जो है वो इंडिया का एग्जांपल्स है. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू बी कंप्लीटेड. आप लोगों को ये असाइनमेंट वीडियोस जो भी है, आगे के लेसन्स के भी प्रीवियस वीडियो वो भी एक बार देख लेने हैं. पीरियोडिक टेस्ट के अंदर मैंने जो सेंड किए थे, आप लोगों को दो पेपर भेजे जाएंगे, एक जो स्कूल से फॉर्म हुआ है और दूसरा जो है वो डीओ ऑफिस से आएगा. तो डीओ ऑफिस के अंदर से जो पेपर आएगा उसके लिए आप लोगों को मैप की एक अरेंजमेंट करके रखनी है. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वीडियो ये जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर डी ऑफिस से जो आने वाला है वो फोर लेसन से रिलेटेड मैप है. तो फोर लेसन का मैप जो है आप लोगों को पेज नंबर 18 पे दिया गया होगा. ओके, यहाँ पे आप लोगों को महाजनपदास और जो टाउन से वो कौन सी जगह पे है वो दिए गए हैं. हम लोगों ने ये लेसन बाकी है, फिर भी मैं आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम के द्वारा जो है बताना चाहती हूँ कि ये जो मैप है वो आप लोगों को रिफर करना है कि यहाँ पे महाजनपदास और टाउन्स. महाजनपदास यानी महानगर पालिका, जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो बिग सिटीज होती है कि वहाँ पे महानगर पालिका वर्क करती है. तो ये जो महानगर पालिका है पहले के समय में महाजनपदास के नाम से जानी जाती थी. तो ये जो महाजनपदास है तो हम लोगों को यहाँ पे रेड कलर का जो सिम्बल्स दिया है, दैट शुड बी अ एशियन सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज थी कि जहाँ पे महाजनपदास थे, मेजर जनपदास, महाजनपदास एंड सिटीज. तो ये जो है रेड कलर का जो सिंबल दिया हुआ है हम लोगों को, दैट इज अ बिग सिटी कि जहाँ पे महाजनपदास वर्क करती थी. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये मैप जो है वो ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पेपर टू यानी कि जो डीओ वलसाड़ से आएगा उसके लिए एक मैप का अरेंजमेंट करके रखना है. थैंक यू.